अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमाद अमजद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हमाद अमजद प्रॉपर्टीज़। आज मैं आपको एक सोसाइटी विज़िट करवाने लाया हूँ। इस सोसाइटी का नाम स्टेट ऑयल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये सोसाइटी स्कीम 33 के अंदर लोकेटेड है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट भी चल रही है। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस सोसाइटी का रिव्यू दूंगा, बताऊंगा कि करंटली यहाँ पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं, कितने गज़ के प्लॉट्स इस सोसाइटी के अंदर अवेलेबल हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह तमाम ही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस सोसाइटी की लोकेशन गाइड करूं, तो सोसाइटी जो है ये स्कीम 33 के सेक्टर 2A में वाक़ है। और आसपास की सोसाइटी की बात करें तो इसके बिल्कुल बैक साइड पे बाटवा मेमन कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक बहुत ही मशहूर सोसाइटी अल अशरफ सोसाइटी जो है मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं। अल अशरफ सोसाइटी जो है वो इसकी सराउंडिंग में वाकई है। इसके फ्रंट पे देखें तो क्वेटा टाउन का सेक्टर 3A जो है वो इसके फ्रंट पे लगता है। और अगर आप सराब गोड से आ रहे हैं तो सराब गोड से आप जमाली पुल की तरफ आएंगे। जमाली पुल से पहले ही लेफ्ट साइड पे एक खानजीज रेस्टोरेंट है और नासरा स्कूल उस कॉर्नर पे बहुत मशहूर है। उसी 150 फीट रोड पे अगर आप आएँ तो पहले अल अशरफ सोसाइटी आएगी, उससे आगे बाटवा मेमन है, फिर उसके बाद हमारी स्टेट ऑयल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लोकेटेड है जी। तो अब मैं सोसाइटी की कैटेगरीज़ की बात करूं तो यहाँ पे 120 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। 120 यार्ड्स के साथ साथ यहाँ पे 200 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट भी मिलेंगे और आपको यहाँ पे 400 गज़ के भी रिहायशी प्लॉट जो हैं इस सोसाइटी में अवेलेबल हैं। कमर्शियल्स की बात करें तो कमर्शियल छोटे कमर्शियल इस सोसाइटी में अवेलेबल हैं। 60 गज़ और 80 गज़ के यहाँ पे बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट जो हैं इस सोसाइटी में अवेलेबल हैं। रेजिडेंशियल में 120 गज़, 200 गज़ और 400 गज़ और कमर्शियल में 80 गज़ और 60 गज़ के यहाँ पे कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो अवेलेबल जी। सोसाइटी की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि सोसाइटी में करेंटली क्या डेवलपमेंट चल रही है, तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ये रोड्स जो हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोड्स का काम जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द पेवर्स का काम किया जाएगा। पूरी सोसाइटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पेवर्स का काम किया जा रहा है बड़ी तेज़ी से। इसके साथ साथ यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये इसका 40 फीट रोड है और सोसाइटी के अंदर 24 फीट के जो रोड्स हैं वो अवेलेबल हैं। सोसाइटी के जो बड़ी कैटेगरी है 200 गज़ की और 400 गज़ की, उसकी फेसिंग पे ज़्यादातर 40 फीट रोड्स हैं और 120 गज़ की फेसिंग पे 24 फीट रोड भी हैं और 40 फीट रोड जो हैं इस सोसाइटी में अवेलेबल हैं जी। तो अब अगर मैं सोसाइटी के प्राइसेस की बात करूं कि यहाँ पे क्या करंटली प्राइसेस चल रहे हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे 120 गज़ के रेजिडेंशियल हैं, 200 गज़, 400 गज़ के और 60 गज़ और 80 गज़ के कमर्शियल प्लॉट हैं। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं बड़े रीज़नेबल चल रहे हैं। यहाँ पे 120 यार्ड्स का प्लॉट आपको तकरीबन 50 लाख रुपीज़ के अराउंड और अंडर 50 लाख रुपीज़ भी यहाँ पे आपको 120 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से 200 गज़ की बात करें तो 200 गज़ का रेजिडेंशियल प्लॉट आपको 70 लाख रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है। अगर कोई बहुत अच्छा प्लॉट है तो वो 70 से 80 लाख रुपये तक, और अगर कोई लोकेशन के एतबार से थोड़ा सा हल्का प्लॉट है तो वो आपको अंडर 70 लाख रुपीज़ भी इस सोसाइटी में मिल जाता है। 400 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो 400 गज़ के रेजिडेंशियल भी बहुत ही मुनासिब कीमत में यहाँ पे अवेलेबल हैं। अंडर 1 करोड़ रुपीज़ भी आपको यहाँ पे 400 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई 400 गज़ बाहर की फेसिंग पे है, 150 फीट रोड की फेसिंग पे है, तो फिर उसी हिसाब से उसके पैसे होते हैं 3.5 करोड़ रुपये तक भी 400 गज़ के प्लॉट जो हैं इस सोसाइटी में अवेलेबल हैं। तो अभी भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं 120 गज़ के हवाले से, 200 गज़ के हवाले से। तो यहाँ पे आपको प्लॉट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। कमर्शियल प्लॉट की बात करें तो 80 गज़ के कमर्शियल्स भी तकरीबन 50 लाख रुपीस के अराउंड आपको इस सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो 60 गज़ के कमर्शियल प्लॉट हैं उसके प्राइसेस तकरीबन 40 लाख रुपीस के अराउंड जो हैं यहाँ पे 60 गज़ के कमर्शियल्स के प्लॉट के प्राइसेस इस सोसाइटी में इस वक्त चल रहे हैं जी। तो आप मेरे बिल्कुल अकब में देख सकते हैं ये हमारा एक कमर्शियल प्लॉट अलीज़ा रेजिडेंसी के नाम से। ये हमने एक महीने पहले इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया है। इसमें हमारे पास 2-बेड लाउंज के फ्लैट जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। ये 2-बेड लाउंज के फ्लैट्स हैं, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी छत की, ग्राउंड की छत की भराई जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो
वन ईयर की इंस्टॉलमेंट के साथ ये कमर्शियल प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है, तो जिन हजरात का प्लॉट का बजट नहीं होता या जिन हजरात जो कंस्ट्रक्शन 120 गज की नहीं कराना चाहते, वो फ्लैट्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फ्लैट्स जो हैं वो हमारे पास वन ईयर की इंस्टॉलमेंट के साथ अवेलेबल। मिस्टर राहत साहब, अस्सलाम वालेकुम। राहत भाई, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत से। सर माशाल्लाह से आपका A9 बी कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, क्या इरादे हैं आपके सर? सर इरादे माशाल्लाह बहुत नेक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। A9 के हवाले से मैं खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और 2 महीने के अंदर अंदर मैं शिफ्ट होने का भरपूर इरादा रखता हूँ। इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के बाद आप फौरी तौर पर शिफ्ट होंगे? बिल्कुल शिफ्ट होंगे, और मेरे इसी महीने डेढ़ महीने के अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ रही है बेताशा, जिसके अंदर हमारे साहब आप खुद और जनरल सेक्रेटरी साहब फाज साहब वो दोनों माशाल्लाह बहुत कॉपरेट के साथ मेरे को गाइड कर रहे हैं, और मैं अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ इसको कंप्लीट करने की बिल्कुल इंशाल्लाह बस हमारी दुआएं भी साथ हैं। अल्लाह पाक आपका खैर खैरियत से कंस्ट्रक्शन करवाए। और आप सोसाइटी के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसके अलावा हमें जो ना यहाँ पे माशाल्लाह खासतौर से जो रोड के हवाले से पेवर लगा रहे हैं, जी जी, इस हवाले से तो ये हम बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं, और प्लस उसके अलावा सिक्योरिटी और प्लस पुरसकून माहौल, ये दोनों चीज़ें बहुत हमें बहुत इत्मीनान के बाइस बनती है। ठीक है, आप उन लोगों से क्या कहेंगे जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं, उनको आके बनाना चाहिए जिस तरीके से आपने हिम्मत की, और मेरे ख्याल से आपने कुछ महीने पहले ही ये प्लॉट मुझसे लिया है और आपने फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जिन लोगों के यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट्स हैं, तो उनको बनाना चाहिए यहाँ पे? देखिए मुझे अभी मैंने ये परचेज 2 महीने पहले ही किया है, ठीक है, जिसमें मुझे अभी तकरीबन 15 से 20 दिन हुए हैं जब मैंने इसी कंस्ट्रक्शन शुरू की, ठीक है। तो ये मेरी अपनी ज़ाती प्रॉब्लम वाली बात है कि मैं अब कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे मैं शिफ्ट होऊंगा, मैं ये पुरसकून माहौल के लिए मैं तलाश में था जो मुझे यहाँ मिल गया है, लिहाजा मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या करूँगा कि भाई जिस जिस के भी यहाँ पे प्लॉट हैं वो आके कंस्ट्रक्शन करें और इसको आबाद करें, ताकि सबके लिए बेनिफिट होगा और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का पुरसकून माहौल होने के नाते ये काम बहुत जल्द से जल्द करना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बस हमारी दुआएं अल्लाह पाक आपको यहाँ पे खैर खैरियत से शिफ्ट करें और सोसाइटी के फला बहबूद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया राहत भाई। आज मैंने आपको इस वीडियो में स्टेट ऑयल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का विज़िट करवाया, यहाँ पे बताया करंटली क्या डेवलपमेंट चल रही है और यहाँ पे करंटली क्या प्राइसेस जो हैं इस सोसाइटी में चल रहे हैं। इस सोसाइटी में ऑलरेडी रिहाइश जो है वो है, इस 120 गज़ के घर में भी रिहाइश है, इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन जो है वो तेज़ी से चल रही है। यूटिलिटीज़ की बात करें तो इस सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो चल रहा है, पानी का और सीवरेज का काम जो है वो कंप्लीट किया गया है कुछ दिनों पहले ही, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ये इसके कमर्शियल प्लॉट हैं, आप ये देख सकते हैं, और फ्रंट पे जो हैं और रेजिडेंशियल 120 और 200 गज़ के प्लॉट जो हैं वो इस सोसाइटी में अवेलेबल हैं। आप सेल परचेज़ के हवाले से मुझसे रابطہ कर सकते हैं, प्लॉटों की सेल परचेज़ के हवाले से भी, और मेरे पास यहाँ पे 2 बेड लॉन्च के जो हैं वो फ्लैट्स जो हैं 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से उस हवाले से भी आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।